हेलो, मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल में ही आपका जो है 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश का बहुप्रतीक्षित बजट, जो एक कोरोना काल का बजट था, उसको पेश किया गया है। तो ये आपके मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, साथ में जनमानस के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बजट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों को जो है वो काफ़ी गहराई से प्रभावित करता है। तो चलिए उसी चर्चा कर रहे हैं हम। पहले बता दें कि बजट क्या है। तो बजट जो है वो आगामी वर्ष की सरकार की जो भी आमदनी होने वाली है, आय प्राप्त होने वाली है, और जो भी जो है उसको व्यय करना है, विभिन्न मदों पर जो व्यय करना है, उसका लेखा जोखा ही जो है वो बजट कहलाता है। बजट आपका केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकारों का भी होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो है वो आपका 2 मार्च 2021 को पेश किया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो माननीय वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन के जगदीश देवड़ा जी है ना, तो उसको याद रखिए कि अपने वित्त मंत्री कौन है, जगदीश देवड़ा है। जगदीश देवड़ा ने 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। यह बजट जो है कुल टोटल कितनी राशि का था, तो 2,41,375 करोड़ रुपए का कुल बजट है। ये कितना का है, 2,41,375 करोड़ रुपए का है ना, तो ये याद रखना होगा। फिर कोरोना के कारण जो है वो इस बजट को जो है वो घाटे का बजट है, और इसमें 21,376 करोड़ रुपए का जो है घाटा दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है अपनी इनकम की अपेक्षा जो है वो इतना इससे इतना जो राशि जो है वो विभिन्न मदों पर व्यय करेगी। अच्छी बात है, यह घाटे का बजट अच्छा होता है। एक सीमा तक घाटे का बजट जो है वो विकास का प्रतीक माना जाता है। और चलिए, तो इस बजट का जो मूल था कि कोई भी टैक्स, नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ना ही पुराने टैक्सों में कोई वृद्धि की गई है। तो इसको जो है वो पेपर वालों ने ना राहत ना बोझ की एक संज्ञा दी है। क्या दी है, ना राहत ना बोझ तर्ज पर जो है वो ये बजट बनाया गया है। और इस बजट में जो मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि 6 नई योजनाएं शुरू की गई हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, एग्जाम में आपकी पूछ सकता है। तो वो कौन कौन सी योजना है, तो चलिए, पहली योजना आपकी है सीएम राइज योजना। सीएम राइज योजना है, इससे जो है 1,500 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है कि 9,200 स्कूलों को जो है वो हाईटेक किए जाने का प्लान है, ठीक है। दूसरी योजना आपकी मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना, तो अनाज खरीदी के लिए जो है वो 2,000 करोड़ का जो है वो इस बजट में प्रावधान किया गया है। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज प्रदान योजना, तो बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से जो है 112 करोड़ का जो है वो इस बजट में प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। और चौथी योजना है आपकी जल जीवन मिशन, शहरी क्षेत्रों के लिए है ये। इसमें योजना क्या है कि जो भी नगर है तो वहाँ पे घर घर जो है वो नलों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाए, तो उसके लिए 112 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर वनों के लिए भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि सूक्ष्म वन प्रबंधन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है जो बिगड़े हुए वन है, क्षेत्र है, उनको में जो है वो सुधार करना है। और ट्रांसपोर्ट सर्विस योजना एक नई योजना शुरू की है, और ये प्रदेश के 12 जिलों में जो आदिवासी बोल हैं वहाँ पर शुरू की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को जो है वो घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने के लिए जो है वो बसों का उपयोग किया जाएगा। एक नया प्रयोग है, देखिए कितना सफल होता है। और हम आगे चलते हैं, तो किसानों के लिए कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की जो है राशि जो है वो 4,000 सालाना मिलेंगे। पहले 2,000 मिल रहे थे, तो अब जो है वो 4,000 सालाना मिलेंगे। और किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और गाय के लिए भी, जो अपना राष्ट्रीय पशु कह सकते हैं उसको एक प्रकार से दूसरे अर्थों में, तो 2,300 नई गौशालाएं जो है वो मनरेगा के अंतर्गत जो है वो बनाने का प्रावधान है। इसी प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो है वो 9 नए मिशन विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो शुरू की गई, ये भी बजट की एक अच्छी उपलब्धि है। और हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी में जो है वो विशेष तौर से शिक्षकों का जो पद
बहुत से आशाएं बैठे हुए हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, तो उनकी आशाओं को ये बजट पूरा करते दिखता है। तो बजट में जो है वो 24,200 शिक्षकों के भर्ती किए जाने की इसी वर्ष जो है वो बात की गई है। इसी प्रकार से पुलिस में भी काफ़ी लोग युवा लोग लगे हुए हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, लिखित परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो 4,000 पुलिस आरक्षक के पद जो है वो इसी साल इस बजट में निकालने का प्रावधान है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए योजना है कि ओंकारेश्वर में जो है वो विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का जो है वो सोलर प्लांट बनाए जाने की प्रावधान इस बजट में किया गया है। और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि 3 वर्षों में जो है वो 100% स्कूलों में जो है वो विद्युतीकरण किए जाने की बात कही गई है। तो अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे विद्युतें नहीं, विद्युत लाइट नहीं है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में असुविधा होती है और भी सुविधाएं नहीं है। तो ये प्रावधान किया गया है कि 3 वर्षों में जो है वो सभी स्कूलों में जो है लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश शासन द्वारा ज्ञानोदय स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, तो उनके उनको माइग्रेट किया गया है सीबीएसई की तरह, जो है उनको माइग्रेट करने का जो है वो प्लान है। और इलाज के संबंध में तो भोपाल, इंदौर और रीवा के हॉस्पिटलों में जो है वो अब कैंसर का इलाज जो है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। चलिए ठीक है, और चलते हैं इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है वो 2 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो मध्य प्रदेश में इसी वर्ष जो है वो स्थापित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार से जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को जो है वो एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा ताकि वो अपने स्वयं के निर्णय ले सकें। और सबसे बड़ी एक खुशी खबरी है, जो MBBS या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है। एक वर्ष 2 वर्ष उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी क्या है कि 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, है ना। सरकार की योजना है, बजट में है, प्रावधान है कि 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, शहडोल का, दतिया का है, सतना में भी खोल सकता है, प्रावधान इस तरह का। और 1215 3 वर्षों में जो है वो आपका 1215 MBBS की सीटें बढ़ाई जाएंगी, मतलब कि 1215 लोगों को इसका संधि रूप से फायदा मिलेगा कि वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। इसी प्रकार से महिला सुरक्षा पर भी कुछ बातें कही गई हैं बजट में, जैसे कि हर जिले में जो है महिला थाना की स्थापना करने की बात कही गई है कि हर जिले में जो है महिला थाना स्थापित किया जाएगा ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनका जो है वो शीघ्र निपटारा किया सके। इसी प्रकार से जो है वो नौकरशाही का जो है एक काफ़ी बड़ा दबाव हो रहा है, लोकतंत्र में नौकरशाही जो है वो एक सेवक के रूप में होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसी उद्देश्य से कि नौकरशाही प्रतिष्ठा नियंत्रण किया जाए, तो जो पब्लिक सर्विस एक्ट है उसमें जो है कड़े प्रावधान किए जाएंगे ताकि नौकरशाही पर जो है वो पर्याप्त नियंत्रण रख सके। इसी प्रकार से कुछ कर्मचारियों के लिए भी कुछ खुशखबरी है कि 7वें वेतन आयोग का जो शेष 75% राशि का भुगतान होना बाकी है, तो उसके लिए भी जो है शीघ्र आदेश निकाला जाएगा। और अब रही अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई इसमें प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रकार से बजट एक काफ़ी सतत बजट प्रतीत हो रहा है, कई क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं, है ना। और लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हो रही हैं और आलोचना होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। तो आलोचना में जो कह रहे हैं कि जो किसान की ऋण माफी की बात हुई थी सरकारों द्वारा, तो उसके लिए कोई इस बजट में प्रावधान नहीं मिलता। इसी प्रकार से बेरोजगारी, जिस कदर से कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, बाहर जो काम करते थे अन्य राज्यों में तो वो अपने राज्य में आ गए हैं, अन्य राज्यों में उनकी नौकरियां जो है छूट गई हैं, अब उनको पर्याप्त नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों को जो है वो एक सीधे रोजगार देने का प्रयास होना चाहिए था, जो बजट में जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और चलते हैं तो महंगाई, निसंदेह रूप से निरंतर बढ़ रही है, लगभग 20 से 25% महंगाई जो है वो वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम तो आप देख ही रहे हैं, तो इसमें राहत देने की उम्मीद की थी कि शायद सरकार अपना बैड टैक्स कुछ कम करे ताकि जनता को जो है पेट्रोल और डीजल में राहत मिले, और ख़ासतौर से पेट्रोल और डीजल ये दामों में बढ़ोतरी से जो है वो अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवहन में जो है वो एक महत्वपूर्ण ईंधन होता है, ये है पेट्रोल और डीजल, तो इस पर कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसी प्रकार से व्यापारी वर्ग भी जो है वो टैक्स के बोझ से दबा जा रहा है और टैक्स के प्रावधान जो है काफ़ी जटिल कर दिए गए हैं। तो इसको भी देखते हुए अभी हाल में ही देखा गया है कि व्यापारी वर्गों द्वारा जो है वो आपका भारत बंद का आयोजन किया गया था,
तो इसके दिशा में भी कोई प्रयास किए जाते हैं कि व्यापारियों को राहत मिलती, तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है वो इसको जुमलों और खोखली घोषणाओं का बजट की संज्ञा दी है इसको। तो अंत में निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूँगा कि बजट जो है वो संतुलित है, और जहाँ तक रही आकांक्षाओं की बात, तो कोई भी बजट जो है वो हर आकांक्षाएं जो है पूरी नहीं कर सकता। ये हर व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी कर दे ऐसा बजट में हमेशा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की आकांक्षाएं पूरी गई हैं, कुछ आकांक्षाएं बाकी हैं, तो सरकार से उम्मीद है कि इस संबंध में आगे कोई प्रयास करें। तो आप बताइएगा कि बजट के बारे में हमारा विश्लेषण कैसा लगा आपको, है ना। और खास तौर से इस बजट को मैंने आम जनता को ख्याल में रखा ही, साथ में साथ जो है वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका एक करंट का विषय है कि बजट कब पेश किया गया, कुल बजट कितने का था, बजट में घाटा कितना था, ये था किस परियोजना के लिए जो है वो कितनी राशि आवंटित की गई, तो ये सब उनके लिए उपयोगी है। तो हमको उम्मीद है कि छात्र भी इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं आर के सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक जो है बधाई आपका विदाई लेना चाहता हूँ। नमस्कार।